और बड़ी खबर का रुख करते हैं गुरुग्राम से, जहां पे गार्ड की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गार्ड ने पड़ोस में रहने वाले गार्ड को गोली मारी थी। पत्नी की साड़ी चोरी करने के शक में, आपको बता दें, विवाद हुआ था और आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से लाइसेंसी हथियार भी बरामद हुआ है। आरोपी गुरुग्राम में पेट्रोल पंप पर गार्ड के तौर पर तैनात था। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, 24 घंटे के भीतर ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। लाइसेंसी हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पेट्रोल पंप पर यह गार्ड तैनात था और पत्नी की साड़ी की चोरी के शक में, आपको बता दें कि विवाद हुआ था और उसके बाद गोली मार दी गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है गुरुग्राम से, जहां पर गार्ड की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के पास से लाइसेंसी हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पत्नी की साड़ी की चोरी के शक में, आपको बता दें कि आरोपी ने गोली मारी थी। मोहित हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। मोहित, गार्ड की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी है? मामला है गुरुग्राम के नाथपुर का। जब 15 अगस्त की रात दो युवकों के बीच में जो है आपसी कहासुनी हुई और उस कहासुनी के चलते जो विवाद था वो इतना बढ़ गया कि जो गार्ड था उसने अपने ही साथी को अपनी जो लाइसेंसी जो हथियार था उससे गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। ऐसे में पुलिस ने पूरे मामले के अंदर कई क्राइम यूनिटों को जो है इसका जिम्मा